कभी गामजन थे दोनों। मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। इकबाल मीर मेरा नाम है। अभी ये बबून पास है जो कि हमें लेकर आया है फ्रॉम ये कश्मीर नीरम वाली साइड से आए हैं हम, और जागरान से गुजर के हम फिर अब बबून पास की तरफ आए हैं जो कि हम अपर नीलम की तरफ जाएंगे। सो वी हैव बाईपास एक्चुअली द मेन रूट जो कि बॉर्डर के साथ है। दिस इज़ द अदर रूट विच इज़ टेकिंग अस विद अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी एंड टेकिंग अस फ्रॉम द पास, एंड नाउ विल गो थ्रू दिस वन एंड रीच टू द अपर नीलम वैली एरिया। पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तेरे बिन वीरान है ये रास्ते, छोड़ दुनिया जा मेरे वास्ते, छोड़ दुनिया जा मेरे वास्ते, दिल को घायल कर गया तेरा सितम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। इट्स वंडरफुल, बबूनटा पे हम आए हुए हैं और 4000 मीटर से ऊपर है और प्रिटी गुड। गन प्लीज़ ना डालें, हमने भी रास्ते में भी एक बैग दो तीन देखे थे तो हमने रास्ते में सफाई भी की थी और हमारे पास गारबेज डिस्पोजल बैग था और उस पर फिर हमने जितना रास्ते में हमें कचरा नज़र आया था हम उठाते जाते। तो प्लीज़ काइंडली आप कचरा ना फेंकें, इन जगहों को ख़राब मत करें। गाड़ी भी आ सकती है, आप भी आ सकते हैं, बट प्लीज़ इन जगहों को ख़राब मत करें। इफ़ यू इन्जॉय रिस्पॉन्सिबली, अगर आप रिस्पॉन्सिबली रहें तो नहीं होता। अगर आप प्लीज़ वहाँ की जगह लोकल हैबिटेट ना ख़राब करें, उधर की जगह ना ख़राब करें, कचरा ना फेंकें तो ठीक रहेगा। तो आप अगर वहाँ पे उधर की जगह रिस्पेक्ट करें, ट्रेड लाइटली प्लीज़। जैसे अपने घर को आप साफ़ रखते हैं उसी तरह ये भी आपका घर है, इसको प्लीज़ काइंडली साफ़ रखें, इसका ख्याल करें तो ठीक रहेगा। IGC अच्छा है, इट्स अ क्लब ऑफ क्लोज फ्रेंड्स और काफ़ी यूनिटी है और एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। अगर गाड़ी ख़राब हो जाए, किसी को कोई मसला हो जाए, तो अभी भी एक गाड़ी है उसका टायर फ्लैट हो गया था, तो एक दूसरे की हेल्प आउट रहती है। आप इस तरह की जगह उनके साथ आ सकते हैं क्योंकि आपके साथ पूरा ग्रुप होता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद जीप क्लब, फाइनली वी मेड इट टू पतलियां लेक। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये तकरीबन 2-2.5 घंटे का ट्रैक होगा, लेकिन इट वाज अ टफ 4x4 ट्रैक। तकरीबन 4-4.25 घंटे हमें लगे यहाँ पे आने में। बट देन जब आए हैं टॉप पे, तो जो थकावट थी और जो फ्रस्ट्रेशन थी कि पतलियां लेक कहाँ पे है, वो सारी की सारी ख़त्म होगी। यू कैन टेक अ लुक एट इट, इट्स वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द नेचर। बहुत ही खूबसूरत, बेइंतहा, और ना इसका गूगल में कहीं पे जिक्र है और ना कहीं और इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया गया है। बट फाइनली वी हैव मेड इट, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टूरिस्ट ऑल आएंगे यहाँ पे और दे विल टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एज वेल। एक चीज़ हमने यहाँ पे नोट की कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, सो वी वर चेकिंग अराउंड कि जी रास्ता किस साइड से है। तो फिर हमें यहाँ पे पानी की बोतलें खाली और रैपर्स बिस्किट के वो नज़र आना शुरू हुए। सो हमें अंदाज़ा हो गया कि जी यही ट्रैक है, इसी रास्ते के ऊपर आना है। नाउ मे बी उसने हमारी हेल्प की यहाँ पे पहुँचने में, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट को देखेंगे, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट लेक्स, मैं कह सकूँगा 13,000 फीट के ऊपर है। अगर उसमें भी हम आके अपने मुल्क की अपनी लेक को खुद ही डिस्ट्रॉय करें, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर आने का। फिर तो हम एक्सपेक्ट करेंगे जी कि ऐसी लेक्स को डिस्कवर ना किया जाए। अभी यहाँ से हमने तकरीबन काफ़ी रैपर्स उठाए हैं, इतना है कि हम सब थक जाएंगे और ख़त्म नहीं होगा। सो वी एक्सपेक्ट कि या तो यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग की जाए और लिटरिंग के ऊपर पाबंदी की जाए। उससे बेस्ट ये कि जी लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर डिसमिनेट किया जाए कि जी दिस इज़ योर ओन कंट्री, दिस इज़ योर ओन नेचर एंड लेक, और यहाँ पे आपने गन नहीं फैलाना। जो साथ लाए हैं आप खा के उसका वज़न 1/10 भी नहीं होता, यू कैन ईजिली टेक इट बैक। So this is what our lesson is, or our suggestion for everyone who comes to these such places, ki ji apna jo apne saath aap laate hain usko apne saath wapas le।